नमस्कार, आप देख रहे हैं NH। आज डिमा इंटर राज्य फुटबॉल टूर्नामेंट हाफलॉन्ग हपाई 2024 सीजन 1 का फाइनल मैच खेला गया है। और आप लोगों को बता दें कि ये फाइनल मैच डिग्रिग राजी और टाउन राजी के बीच में हुआ है। और इस टूर्नामेंट में अतिथि के रूप में थे डॉन फाइनन थाउसेंड, जो एग्जीक्यूटिव मेंबर है काउंसिल के, और उनके साथ प्रबिता जौहरी भी मौजूद थी। आप लोगों को बता दें कि ये जो खेल है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हुआ था आज, क्योंकि दोनों ही टीम के तरफ से दो दो गोल किया गया है, लेकिन आखिर में ट्राई ब्रेकर में जीत हुआ है टाउन राजी का। यानी कि टाउन राजी ने एक गोल से अपना बाजी मार लिया है और वो इस टूर्नामेंट के विनर घोषित कर दिया गया है। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं खेल के कुछ दृश्य और सुनाएंगे कि वहाँ जो ऑर्गेनाइजर है, जो गेस्ट है, उनका क्या कहना है। नमस्कार जुताई, आज हम लोग का ये डिग्री पे दिमा इंटर राजी फुटबॉल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने के बाद आज फाइनल हुआ है। आज ख़त्म हो गया। अभी ख़त्म होने के बाद अभी अच्छा लग रहा है, बोर्ड्स टू पूरा उतर गया, अभी अच्छा लग रहा है। वैसे ये टूर्नामेंट निकालने का टाइम में बहुत मुश्किलें हुआ था। शॉर्ट टाइम में हम लोग ने ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने का कोशिश करा तो ऑर्गेनाइज भी हो गया, अभी ख़त्म हो गया, अभी अच्छा लग रहा है। तो इसके लिए बहुत खुशी है। और हम लोग का ये टूर्नामेंट में हम लोग को कंट्रीब्यूट करने वाला बहुत आदमी था। हम लोग का श्री ऑनरेबल CEM डिमासा ऑटोनोमस काउंसिल का देवलाल गौरलोसे जी ने भी हम लोग को फाइनेंशियली और ऐसे चीफ गेस्ट हम लोग को कंट्रीब्यूट किया था। वो भी चीफ गेस्ट बन के आया था ओपनिंग में। ये टूर्नामेंट नाइन्थ नाइन्थ ऑफ दिस मंथ हम लोग ने ऑर्गेनाइज किया था और आज फाइनल होके अभी ख़त्म हो गया है। टोटल कितना टीम ज्वाइनिंग किया? यहाँ पे टोटल 16 टीम्स ज्वाइन हुआ था। उसके बीच में नॉकआउट राउंड शुरू हो गया, उसके बाद क्वार्टर सेमीफाइनल और आज फाइनल हो गया। आज का खेला में कौन कौन फाइनल खेला था? आज का फाइनलिस्ट लोग डिग्री ग्रुप बी और टाउन राजी टीम था। आज का खेला बहुत टफ रहा, बिकॉज अपोनेंट भी बहुत टफ रहा एंड द डिग्री डिग्री क्लब भी बहुत टफ रहा। फर्स्ट हाफ वी वेर लाइक हम लोग बहुत मैंने कोशिश किया और सेकेंड हाफ भी हम लोग बहुत जोर दिया और खेला फुल टाइम 2-2 होके पेनल्टी शॉट में हम लोग लकीली जीत गया। गोल प्लेइंग टाइम में 2-2 रहा, ड्रॉ हुआ, फिर टाई ब्रेकर में हम लोग 4-5 से जीता। डिग्री प्लेग्राउंड में डिमा इंटर राजी टूर्नामेंट फुटबॉल टूर्नामेंट जो उसका जो फाइनल हुआ है तो बहुत ही सुंदर हुआ है। दोनों टीम का भी बहुत से सुंदर खेला है, क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि वर्ल्ड कप का जो प्लेयर लोग यहाँ आकर के खेला ऐसे लगा आज तो, मतलब बहुत जोश के साथ और इतना जो सुंदर से खेला है कि हम क्या बताऊँ। और आशा रखता है इसी के साथ जो आज का जो फुटबॉल फाइनल देखने को आया, जो लोग बच्चे लोग को भी बहुत अच्छे इंस्पायरेशन मिलेगी, क्योंकि आगे इसी के साथ आगे उन लोग को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ऐसे आशा रखा है। और आशा रखता है कि ऐसे ही आगे भी यहाँ जो डिग्री सोशियो कल्चर ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से जो ऑर्गेनाइज किया है आगे भी करेंगे ऐसे बोला है, तो आगे आशा रखता है आगे भी जिस प्रकार आज के दिन में जो सुंदर से
टूर्नामेंट पार करके गया है वैसे आगे भी बहुत सुंदर से ऐसे ऑर्गेनाइज करेंगे और साथ में और ये और भी आगे भी भरपूर आज का जो टूर्नामेंट यहाँ ये हुआ है जो सुंदर से खेला है आगे भी वैसे मज़ेदार टूर्नामेंट आगे भी खेलने देखने को मिलेगा ऐसे आशा रखते हैं और इसके साथ सबको दोनों टीम को भी शुभकामनाएं हैं कंग्रेचुलेशन दोनों को भी क्योंकि बहुत सुंदर खेल करके जो ट्राई ब्रेकर में आगे आकर के पहले ड्रॉ हुआ और ड्रॉ होने के बाद में ट्राई ब्रेकर में थोड़ा आगे पीछे हुआ है तो फिर भी दोनों टीम इतने सुंदर से खेला इसके लिए बहुत बहुत आभार है और साथ में उन सब की दोनों को भी दोनों टीमों को भी बहुत दोनों को बहुत अच्छा लगा कि आगे ऐसे ही दूसरा लोग को भी आगे फुटबॉल खेल करके दूसरा को उत्साह बढ़ाएंगे और इसी के साथ में हमको भी ये जो हाफलॉन्ग और जब में डिमा हासो का जो प्लेयर्स थे और जो बच्चे लोग हैं इनको भी सीख करके आगे बहुत इसके इंस्पायर लेकर के आगे भी बहुत आगे बढ़ेंगे ऐसे आशा रखता है। धन्यवाद।